यहाँ से सीधा आप ऊपर चढ़ते जाना सर, यहाँ से थोड़ा ऊपर, यहाँ पे थोड़ा ऊपर चढ़ाओ और ऊपर और ऊपर और ऊपर यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे फोकस करो, उनका ये खिड़की नजर आ रहा है ना, ये पाकिस्तानी बैंकर है। ओके, तो वहाँ से ही रोड को कैप्चर करते थे। अच्छा, यहाँ से शैलिंग करते थे। मस्जिद नीचे है, मस्जिद यहाँ पे अभी भी वो पाकिस्तानी बैंकर है ना। हाँ हाँ, अभी भी। देखो सर, इधर उनका नेशनल फ्लैग आ जाते हैं सर, नजर आएंगे आपको जरा। देखो सर, फ्लैग, हाँ नेशनल फ्लैग दिख रहा है वो। हाँ जी जी जी, देखो सर, ये हिल रहा है ना, हिल रहा है ना, वाइट और ग्रीन कलर के, बिल्कुल नीचे आए आप, इससे भी नीचे। तो यहाँ पे, यहाँ पे भी एक नजर, इसको फोकस फ्लैग नजर आएंगे कहाँ पर, यहाँ पे जो थोड़ा सर में जाके है ना, ये फिर सेकंड थर्ड वाले पे आप फोकस करो ना, हल्का सा ऊपर जाए, नजर आएंगे बड़ा हल्का सा ऊपर। वो पहाड़ी का नाम क्या है? हाँ, इसको ज़ूम कर, पहाड़ का तो नाम है, कुछ तो बोलते हो। यहाँ पे भी ये बंकर है पाकिस्तानी के, हाथी माथा रखा हुआ है। देखो यहाँ पे उनको फौजी नजर आ रहे हैं। हाँ, ये खड़ा हुआ फौजी। हाँ, सब बंकर है। देखो सर, काला हो रहा है। ओके, नीचे भी उनके फ्लैग नजर आते हैं एक जगह पे। वो कहाँ है जगह? ये किन का बंकर है? ये अपना लास्ट, ये पाकिस्तान का है अपना। अच्छा, इस साइड में आपने देखो ना, ये अपना है, ये अपना बंकर है, ये अपना नाले से हल्का उस साइड में उनका बंकर, देखो कितना डिस्टेंस है। ओके, 100 मीटर तो ही है, 100 मीटर तक ही है। यहाँ पर, यहाँ पे उनके एक और एक नेशनल, अभी नहीं हो रहा, नहीं वहाँ पे हो सकता है वो। अब उधर जाए पाकिस्तान का बंकर, देख लो आप उस साइड जाए कहाँ का है। तो एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा ऊपर जाए। हाँ, इसको ये चीज़ है, जानते हो टी पॉइंट दिखता होगा पूरा, एक फायरिंग इसमें ऊपर, थोड़ा नीचे। हाँ एक फायरिंग का आवाज़। देखो सर, ये हाँ देखो, पाकिस्तानी बैंकर। हाँ, फोटो ले सकते हैं, देखो ना। हाँ, ये उनके नया बैंक, ये नए बैंकर इसी साल बने हैं सब। अच्छा, इसी साल बने, पिछले साल नहीं थे। हाँ, तो ऐसे होल किया हुआ है ना, हाँ मतलब बंदूक बंदूक घुसाने के लिए। और इधर आप क्या बता रहे थे, इधर इधर भी अपना है ना? हाँ, यहाँ पे देखो बटालिक में, टॉप पे ये बटालिक सेक्टर से आके बैठा, इसको ज़ूम कर लो। ओके, डायरेक्ट ज़ूम कर लो इसी को ही, देखो बिल्कुल टॉप पे कितना डेंजर पॉइंट पे बनाया हुआ। हाँ, ये किसका है? ये अपना है, इंडियन का ही है। देख लो सर, अब ऊपर अपने फ्लैग भी एक नजर आएंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पिक पे आप ये फोकस करो, किनसे? ये वाले पे, ये वाले पे। हां, ओके। अरे खाली आंख में भी देख सकते हो, वो देख ऊपर, एकदम चोटी के ऊपर, एकदम चोटी के ऊपर एक फोर्ट टाइप का दिख रहा है, एकदम चोटी के ऊपर बैंकर से नजर आ रहा है। ये रहा, ये रहा फ्लैग, फ्लैग ये रहा अपना फ्लैग। हां हां, हां जैसे ये है ना, छोटी है, मुझे वो फ्लैग यहां पर नीचे ऐसे तो नहीं दिख रहा है। अब भगवान तो जूम की कैपेसिटी दी नहीं है, है ना। और ये पाकिस्तानी इधर आ गए थे ना, उधर। ओके, ये यहाँ पे, यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। यहाँ पे भी एक फीलिंग होता है अपना, है कि नहीं अभी इतना सुबह जल्दी है ना, वो है, वो है फ्लैग है। फोटो खींचे ना डायरेक्ट, ये फोटो आ जाएगा, इससे वीडियो से ही आ जाएगा फोटो। अभी तो कुछ भी नहीं है मैडम, अभी तो शांति है सर। तो ये मतलब इन्होंने ये कारगिल वॉर के टाइम पे यहाँ पे भी कैप्चर कर लिया था पूरा। मतलब क्या हुआ था कि बीच में जो शिमला समझौता हुआ था ना 1996 में, दोनों के बीच में ये हुआ था, मतलब जितना हाई अल्टीट्यूड पे दोनों के फौजी बैठते हैं, 1972 में मतलब नीचे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों को शादी में दिक्कत हो जाए। इंडिया तो उसी हिसाब से नीचे आ गए, पाकिस्तान वालों ने क्या क्या जितने भी बैंकर थे इंडिया के, सब ने कैप्चर करके बैठा हुआ था। ये तो अपना हेलीपैड, ये तो अपना ही है। जितने भी सामान थे ना चीन से मिला हुआ था, चाइनीज मतलब बैठने का सर्दी में, मतलब किस तरह ये पहना हुआ था ना पूरा फौजी, मारा मार के लाए ना उनका फौजी। चाइनीज एक्सपर्ट है ये अपना है। और इसके आगे ये वाला किनका है, ये जो ये ग्रीन से पहाड़ से नीचे वाला अपना, उस पार वाला ग्रीन पाकिस्तान का पूरा अभी भी। ओके ओके, इसको जूम कर दो ना, एक फौजी इनका देखो यहाँ से जा रहा है। हाँ, वो जा रहा है फौजी, देखो ना खड़ा है। अपना पाकिस्तान वालों का,